मेरा एक चैनल और भी है एजुकेशनल पॉइंट, आप लोग उस पर चाहे तो जाकर सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ कि आपका दिन अच्छा जाए और मंगलमय हो। आज का बिना समय बर्बाद किए हुए करंट अफेयर शुरू करती हूँ। हाल ही में निम्नलिखित में से, हाल ही में इंडोनेशिया का राष्ट्रपति दोबारा किसे चुना गया है? तो दोस्तों ये है जोको विडोडो। कौन है? इन्हें इसका आंसर बी हुआ, जोको विडोडो। आइए इसके बारे में कुछ फैक्ट्स जानें। जोको विडोडो को पिछले महीने वोट के बाद, इनका वोट कब हुआ था ये भी आप लोग जान लीजिए, 20 अप्रैल को हुआ था। बाद में इंडोनेशिया के पूर्व राष्ट्रपति के रूप में फिर से चुना गया। उन्होंने पूर्व जनरल किसको हराया? प्राबोवो सुवीतो को हराया। चुनाव आयोग के अनुसार विडोडो को कितने वोट मिले? 55.5%। और वोडोबो को कितने मिले? प्राबोवो को 44.5% वोट मिले। अभी हमारे भारत में भी चुनाव हुआ है, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, यानी कि कल, यानी कि आज का दिन 23 मई को रिजल्ट आने वाला है और मैं भी वेट कर रही हूँ कि किसकी सरकार बनती है। गूगल ने किस स्मार्टफोन के साथ कंपनी के साथ आंशिक बिजनेस को बंद कर दिया है? तो वो है हुवाई। हुवाई कहाँ की कंपनी है? ये है पाकिस्तान की। कहाँ की कंपनी है? पाकिस्तान की। समलैंगिक विवाह की अनुमति देने वाला पहला एशियाई देश कौन सा है? तो वो है ताइवान। दोस्तों कौन है? यानी कि इसका आंसर है बी, ताइवान। देखिए इसके बारे में, हाल ही में ताइवान ने एक विधेयक पारित करते हुए समलैंगिक विवाह को मंजूरी दे दी है। ताइवान संसद द्वारा पारित यह विधेयक समलैंगिक जोड़ों को पुरुष महिला की भांति सुविधाएं प्रदान करेगा। और किस धारा के अंतर्गत है? 377। और भारतीय दंड संहिता 370 को बाहर कर दिया गया है। देखो, वे महिला पुरुष जो दोनों के प्रति आपसे बाइसेक्सुअल कहते हैं, विषम लैंगिक, जैसा कि आप लोग ये सब जानते होंगे, आपको बताने की जरूरत नहीं है। भारत ने हाल ही में किस देश को MI-24 फाइटर हेलीकॉप्टर की एक जोड़ी दी है? तो यह है अफगानिस्तान को। जी, अफगानिस्तान की राजधानी काबुल। और इसके यहाँ पे क्या चलता है? अफगानी डॉलर चलता है। और दोस्तों मैं आपको एक बात बताऊँ, अभी भारत ने बहुत सारे विमान लिए, जिसमें अपाची 4 विमान लेने वाले हैं। रूस सुखोई कहाँ की है? तो सुखोई रूस की है। और दोस्तों एक बात मैं आपको और बता दूं, अपाची जो अमेरिका से ली है, अमेरिका की एक हवाई जहाज यानी कि कंपनी बनाने वाली है बोइंग, ठीक है दोस्तों। और रेड बस है फ्रांस की। अफगानिस्तान में भारतीय राजदूत कौन है? वहां के अफगानिस्तान के राजदूत यानी कि भारत के जो है वहां पे बसे हुए हैं विनय कुमार। कौन है? अफगानिस्तान के बताओ। और राहुल छाबड़ा कहाँ के बताओ? विक्रम मिश्री पाकिस्तान। अजय विश्रिया चीन। अफगानिस्तान में भारतीय राजदूत विनय कुमार ने अफगानिस्तान की काबुल वायुसेना अड्डे पर कार्यभार रक्षा मंत्री अब्दुल्ला खालिद को MI-24 हेलीकॉप्टर सौंपे। हेलीकॉप्टर आतंकवाद का मुकाबला कराने में अफगानिस्तान यानी कि अफगान राष्ट्रीय रक्षा दस्ता में वृद्धि करेगा। जितने भी होंगे उसको दस्ता में वृद्धि करेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यूपीआई भुगतान ऐप भारत पे ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो वो सलमान खान को ब्रांड एम्बेसडर अपना नियुक्त किया है। चलिए, डिजिटल भुगतान एक उच्च स्तरीय समिति हाल ही में रिपोर्ट में आरबीआई ने प्रस्तुत की है। यह समिति किसके नेतृत्व में गठन की गई है? तो नंदन नीलकैनी। इसके बारे में कुछ फैक्ट्स जाने, ये कौन थी? डिजिटल भुगतानों की गहनता पर नंदन नीलकैनी की अध्यक्षता वाली उच्च स्तरीय समिति ने भारतीय रिजर्व बैंक को अपनी रिपोर्ट सौंपी है। किसको सौंपी है रिपोर्ट? तो भारतीय रिजर्व बैंक को। समिति ने परामर्श और विभिन्न हितकारों के साथ बहुत ही विचार विमर्श करने के बाद यह रिपोर्ट सौंपी। राजीव जो है सो मतलब रिजर्व बैंक अब समिति की सिफारिशों पर जाँच नहीं करेगा, ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों मैं आपको कुछ चेयरमैन का नाम बता देती हूँ। हाँ दोस्तों, मैं आपको एक और क्वेश्चन बताना चाहूंगी, महिला पुलिस स्वयं सेवी योजना शुरू करने वाला पहला राज्य कौन है? तो हरियाणा है, ठीक है दोस्तों। और आपको मैं एक बता, लाइबेरिया गणराज्य के जहाँ की राजदूत की बात आई है, तो लाइबेरिया गणराज्य के दूत थे वाईके सलास थैगल। और दलवीर सिंह सोहा कहाँ के हैं? तो ये आपको सैसल्स के हैं, मैंने आपको कुछ दिन पहले। और पाकिस्तान के कौन है? अजय विसरिया। चीन के कौन है? विक्रम मिश्री, ठीक है दोस्तों। बांग्लादेश की कौन है? रीवा गांगुली दास, ठीक है दोस्तों। अमेरिका का कौन है? हर्षवर्धन श्रृंखला। देश का सबसे अधिक ग्रेफाइट किस राज्य में पाया जाता है? तो दोस्तों अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है।
GSI के अनुसार भारत में कुल ग्रेफाइट का 35% अनुसार कितना प्रजाति है, 35% अनुसार, और 43% ग्रेफाइट, 30 यानी कि 6% तमिलनाडु, सबसे कम ओडिशा में, उससे भी ज़्यादा यानी कि 3% पाया जाता है। उम्मीद कर आज के करंट अफेयर अब यहीं पे समाप्त होता है दोस्तों। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा मेरा करंट अफेयर पसंद आया होगा, अच्छे अच्छे कंटेंट मिले होंगे, और उम्मीद करती हूँ कि आप सक्सेस की ओर जाएं। चलिए आज का दिन आपका मंगलमय हो। धन्यवाद।